सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस एनिमे हिंदी। थंबनेल टाइटल देख लिया है, सबको मालूम पड़ चुका है आज किस पे बात करने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जंप फेस्टा के बारे में। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने इसका नाम तो सुना है बट उन लोग को मालूम नहीं है कि जंप फेस्टा होता क्या है। और हाँ, एक और चीज मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो हर वन पीस फैन के लिए है। अगर तुमने एनिमे देखा है तो भी चलेगा, मांगा रीड किया तो भी चलेगा, इसमें कोई स्पॉइलर नहीं है। और अगर तुम वन पीस का एक एपिसोड भी देखे हो तो भी चलेगा, बस तुम वन पीस फैन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जंप फेस्टा है क्या। देखो, तुम सब कोई ना कोई स्कूल कॉलेज में एनुअल फंक्शन तो मनाया ही होगा। ये जंप फेस्टा भी उसी की तरह है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ये एक एनुअल पार्टी होती है जहाँ पर हर साल दिसंबर के महीने में मांगा क्रिएटर्स आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फंक्शन टाइप होता है। और वहाँ पर जो फेमस मांगा आर्टिस्ट होते हैं उनको वहाँ पर बुलाया जाता है, साथ ही उस मांगा के एनिमे का वॉइस एक्टर वगैरह ये सब कोई वहाँ पे आते हैं और कुछ ऐसे चीज़ें अनाउंस करते हैं जो फैंस को पसंद आती है। फैंस के लिए कोई नया तोहफा होता है। और तुम सब तो जानते हो हमारे एचिरो ओडा है कौन भाई, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, उनको कैसे ना बुलाए। और हमेशा ओडा हर साल जाता है जंप फेस्टा में, ऐसा अनाउंस करके आता है ना, वो चीज होता ही होता है। उसी के साथ ही कल भी हुआ जंप फेस्टा और कल ऐसी चीजें मालूम पड़ी हमें, ऐसी चीजें रिवील हुई, वो चीज मैं आज कवर करूंगा। वैसे वहां पर बाकी मांगा क्रिएटर्स भी आते हैं, जैसे बोरुटो के मांगा का मासाशी किशिमोटो, ड्रैगन बॉल सुपर के भी आते हैं, टीटे कुबो भी आते हैं, ऐसे बहुत सारे मांगाकास आते हैं और वो लोग अपने एनिमे से रिलेटेड या फिर मांगा से रिलेटेड ऐसी जानकारियां रिवील करते हैं। अब देखो, मैं यहाँ सिर्फ बात करूंगा वन पीस के मांगाका को लेके, एचिरो ओडा ने क्या अनाउंस किया उसको लेके। अगर तुमको बाकी के मांगाकास के अनाउंस के बारे में जानना है, जाके खुद सर्च कर लो या फिर जाके उसके यूट्यूबर को बोलो जो उन टाइप के वीडियोस बनाता है। खैर, दोबारा से टॉपिक पे आते हैं। कल बहुत सारी चीजें रिवील हुई, खासकर वन पीस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। वहां पर हमें वन पीस मूवी रेड के कास्ट के कैरेक्टर डिजाइन हमें देखने को मिले, भले ही कलर में नहीं है बट विदाउट कलर ये तुम देख सकते हो। वहाँ पे लूफी, जिनबे, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब का फोटो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे। ये सब चीज देखने के बाद तुमको मालूम पड़ गया होगा कि इसमें मेन कैरेक्टर अपना लूफी ही होने वाला है। जो सैंक्स यार मेन कैरेक्टर होने वाला है उस पे तो ओडा ने पानी फेर दिया, लेकिन हाँ सैंक्स का कुछ रोल होगा, ये चीज जंप फेस्टा में रिवील हुआ। आओ चलो ओडा क्या कहते हैं वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। टू एवरीवन दैट केम टू जंप फेस्टा एंड टू एवरीवन वॉचिंग, हेलो, I am stiff shouldered and back aged Eiichiro Oda. This year started with a manga's 1000 chapter party, then the 100 volume party, then the anime's. मैं ये पढ़ पढ़ के पागल हो जाऊंगा, इसलिए सीधे मैं हिंदी में तुम लोग को समझा देता हूँ। ये चीज तुम लोग के लिए भी अच्छा होगा और वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं होगा। सिंपली छब ओडा का मैं ये मैसेज पढ़ रहा था, मैं सच बता रहा हूँ मैं हंस रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका शोल्डर दर्द कर रहा है, पीठ दर्द कर रहा है भाई, वो इतने सालों से हमें एंटरटेन भी तो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, उन्होंने सबसे पहले सभी को थैंक यू बोला क्योंकि ये ईयर पार्टी से भरा हुआ था। 1000वां चैप्टर आया, फिर आया 100th वॉल्यूम, उसके बाद 1000 एपिसोड भी आया एनिमे का, और इसको लेकर के वो बहुत ज्यादा यार खुश थे। साथ ही उन्होंने वन पीस की आने वाली लाइव एक्शन एडेप्टेशन के लेकर के भी कहा, उनके जो 5 कास्ट अभी रिवील हुए हैं उनको लेकर के उन्होंने बताया कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और खुद ओडा यार वो कास्ट जो है सेलेक्ट किए हैं, तो अच्छा ही होगा। वैसे अगर तुमने वन पीस मूवी लाइव एक्शन के कास्ट के ऊपर मैंने जो है वीडियो बना रखा है, अगर तुमने वो वाला वीडियो नहीं देखा, तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तुम लोग वो लाइव एक्शन वाला कास्ट के ऊपर वीडियो देख सकते हो। सैंक्स एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे हमने ज़्यादा नहीं देखा, जो कि हकीकत की बात है, हमने ज़्यादा उसे नहीं देखा है। ऊपर से उन्होंने यहाँ पे एक सवाल छोड़ा है, उसका उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है। ओडा ने इनडायरेक्टली यहाँ पे हमें बताया है कि वो जो सैंक्स के साथ उसका कुछ ना कुछ रिश्ता है। और हाँ, यहाँ पे ओडा एक और सवाल पूछते हुए कंफ्यूज करके छोड़ दिया, जहाँ पर वो कहते हैं क्या वो लूफी से मिलेंगे। यहाँ पे वो सैंक्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस उस लड़की को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और तुम मेरे भाई जानते हो कि सैंक्स ने वो स्ट्रॉ हैट देते हुए लूफी को कहा था, जिस दिन तुम मुझे सरपास करेगा उस दिन मुझे ये हैट रिटर्न कर देना। पर क्या सैंक्स को लूफी ने सरपास किया है?
वैसे वानो आर्क के बाद तो सैंक्स के वो लेवल का हो जाएगा, उसे वो सरपास नहीं करेगा। लूफी को उसके लिए वन पीस खोजना पड़ेगा, पायरेट किंग बनना पड़ेगा, तब जा करके वो सैंक्स को सरपास कर पाएगा। पर यहाँ पर सैंक्स को लेकर के ओडा ने एक बात तो साफ साफ कह दिया कि इस मूवी में सैंक्स का तगड़ा रोल होने वाला है, और उन्होंने ये भी कहा कि सैंक्स वहाँ होगा। मतलब तुम समझ रहे हो ना, इस मूवी में भले मेन कैरेक्टर लूफी है बट सैंक्स हमें दिखने वाला है। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बाकी सब चीजें जो है बड़ी बड़ी चीजें घोषणा करने से रोका गया है, रिवील करने से रोका गया है, लेकिन वही विनर है बिकॉज वो राइटर है। भाई ओडा जब भी स्टेटमेंट कुछ भी देता है ना, कुछ भी चीजें बताता है, वो मतलब यार फनी अंदाज में बताता है। कभी कभी तो लगता है सैंक्स का कैरेक्टर उनसे इंस्पायर्ड नहीं, लूफी का कैरेक्टर उनसे इंस्पायर्ड है, बट हाँ सैंक्स की तरह वो भी मजाकिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो 25th एनिवर्सरी होगा उसको लेकर के बहुत सारी चीजों का प्लान उन्होंने कर रखा है। अब ये सब चीजें तो होगी साइड की स्टोरी, अब हम लोग मेन स्टोरी लाइन पे आते हैं। वानो आर्क को लेकर के ओडा ने क्या कहा? उन्होंने वानो को लेकर के ये कहा कि वानो आर्क अभी खत्म नहीं हुआ है, उसको अभी टाइम है। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि लूफी के ऊपर ध्यान देना, मतलब लूफी कुछ बड़ा करेगा, काइडो को वो हराएगा, साथ ही कुछ और बड़ा स्टेटमेंट जरूर देगा लूफी। जिस तरह से ओडा कहता है ना, हमेशा बातों को घुमा के कहता है। और हाँ उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए ये चीज बहुत अच्छा होगा अगर वो उसको हाईलाइट कर सके, और ऑब्वियसली बात है लूफी को ही हाईलाइट करेंगे वो। भाई जब मैंने ओडा के स्टेटमेंट का लास्ट लाइन रीड किया, मैं यार सच बता रहा हूँ मैं हंस रहा था, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से कहा ना, इसके अलावा वो वानो आर्क के फाइनल स्टेज को खींचने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और रीजन क्या दिया मालूम? वैसे भी ये वन पीस है, नेक्स्ट ईयर तो और ज्यादा शानदार होगा, और नेक्स्ट ईयर के मांगास को पढ़ने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सैंक्स को लेकर के जो भी डाउट था वो सब ओडा ने क्लियर कर दिया कि सैंक्स वहां पे मेन कैरेक्टर नहीं होगा, सैंक्स उसमें साइड कैरेक्टर होगा, बट सैंक्स का उसमें रोल होने वाला है, क्योंकि सैंक्स हमें बहुत टाइम से दिखा नहीं है। क्या सैंक्स फाइट करता हुआ नजर आएगा, ये चीज मैं देखना चाहता हूँ। भाई बंदा बहुत बिजी रहता है यार, लेकिन फिर भी वो अपने टाइम निकाल के हमें इस तरह से आकर के स्टेटमेंट देता है, कंफ्यूज करके जाता है, और हमें ये मजबूर कर देता है कि हम इस पे डिस्कशन करें। क्योंकि यार पिछले साल बोला था रेड हेयर मैन आएगा और धमाका करके जाएगा, और वन पीस मूवी रेड का ट्रेलर आया, जिस तरह से बवाल मचा दिया, सच में बवाल मचा दिया। वैसे क्या तुम लोगों ने अभी तक वन पीस मूवी रेड के लिए पेटिशन पे साइन नहीं किया है? अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो जाओ जल्दी साइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। खैर ये सब चीजें तो हो कि वन पीस मूवी रेड प्लस लूफी को लेकर के, साथ ही वन पीस मूवी रेड का कास्ट रिवील हुआ, वन पीस के नेटफ्लिक्स सीरीज को लेकर के उसके कास्ट को लेकर के भी उन्होंने कहा कि वो लोग सच में टैलेंटेड है। क्या वो सच में टैलेंटेड है वो तो लाइव एक्शन आएगा तब मालूम पड़ेगा। अगर ये वीडियो तुमको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक मारना मत भूलना, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना। तो यार मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, लेकिन मुझे प्लीज वीडियो कॉल मत करो। अगर तुमको बात करना तो डिस्कॉर्ड में ज्वाइन करो, वहां पे हम लोग वीसी पे बात कर सकते हैं, लेकिन प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल मत करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।